करते थे, कच्चे और पक्के मिलाकर के। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निजीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। धक्काशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सब तो पहला मैं इतने बैठे सारे मेरे कर्मचारी भराओ, गज के फतेह बुलाओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कोई भी अंदोलन होता, असी लास्ट एक साल 14 दिन अंदोलन जिहड़ा दिल्ली के बॉर्डर से बह के लड़िया, उस तो असी एक चीज सीखी सी, सब तो वड्डी चीज जिहड़ी डिसिपलिन। जदों तुसी डिसिपलिन दे विच रहिंदे हो, किसी भी चीज़ नूं शांतमई तरीके नाल लड़दे हो, तां तुहाडी जित है जिहड़ी यकीनी है। डिसिपलिन दे नाल नाल तुहाडा एक आ सारे इकट्ठे रह के। हुण इत्थे भाई साहब बोल रहे सी, कहिंदे वी कुछ जणे इधर बैठे, कुछ जणे उधर खड़े होके गल्लां कर रहे, तां उह चीज़ डिसिपलिन दे खिलाफ है। तो सारे आपां इकट्ठे होके जो एक जगह बैठ के CID वालों भी पता लगेगा कि इन्हों का कट बहुत ज़्यादा है और इस निजीकरण के खिलाफ ने। इस अंदोलन के असी मेरे कल्ले दे 20-22 परचे पाए इन्होंने, नजायज परचे, और तुहानू हरेक कानदान सब कुछ लाउणगे, तुहानू डराउणगे भी तुहाडे ते परचे पा देंगे, तुहानू नौकरी तो कढ देंगे, तुहानू ये कर देंगे। पर आपां नूं ये चीज़ पता कि अपने एक दो जाने की नौकरी अगर चल भी जाऊगी तो कोई गल नहीं, पर जेड़े इस तो बाद भी लखा जेड़े अपने भरा ने, कर्मचारी भरा ने, उन्हां दी नौकरियां बच जाए, अपनी नौकरी जान वेले तो कोई वड्डी गल नहीं है। इस करके भारतीय किसान एकता पूरी टीम तुहाडे नाल है, हर थां तुहाडे नाल है। पुलिस दे कोई भी अगर पुलिस वालों कोई कार्रवाई होती है तो तुम साढ़े पिछे होवोगे, असीं तुहाडी ढाल बन के तुहाडे अगे खड़े होवांगे। एक साल के बैरीकेड भी बहुत पट्टे आ, डंडे भी बहुत खाते हैं, पुलिस वाले नाल भी बहुत होए आ। असीं तां ही कहने कि साडे जिहड़े कर्मचारी भरा जिहड़े जिन्हां कोल कलम की ताकत है, तुसीं कलम की ताकत नाल सारे समाज की सेवा करते हो, इस करके असीं तुहानूं पिछे रखांगे और असीं आप अगे होके लड़ाई तुहाडे नाल लड़ांगे। और कोई भी मुजहरा होगा, कोई भी प्रदर्शन करना है, साडी टीम घट्टो घट असी 500-600 जाना तुहाडे नाल रह के, तुहाडे विच रह के किसी भी चीज़ की लोड़ होगी, ट्रैक्टर लियाने ट्रैक्टर लियावांगे, गड्डियां लियाने गड्डियां लियावांगे, और तुहाडे नाल इस तरह ही डटे रहांगे जिन्ना चिर जिहड़ा सरकार निजीकरण वाला फैसला वापस नहीं लैंदी। और तुसीं भी इह ना सोचो कि यार 2-4 दिन तां सुणदे ही नहीं, सानूं भी लगदा सी, सानूं 18 तरीक शाम नूं असीं बैठे टिकरी बॉर्डर ते गल्लां करदे सी यार इह सरकार तां सुणदी नहीं, और साढ़े 80-80 साल के बजुर्ग जिहड़े उत्थे बॉर्डर से बैठे से सानूं इक गल कहिंदे सी, कोई गल नहीं पुत्त मोदी जदों आपां मुसलमान जिन्होंने मुगल साढ़े ते राज करके गए, अंग्रेज साढ़े ते राज करके गए, असीं उन्हां दे खिलाफ 2-2 साल लड़ाइयां लड़ सकते हैं, तो इन्हां दे खिलाफ आपां 4 साल लड़ाई लड़नियां लड़ांगे। इस करके तुसीं भी शांति जापते विच रह के शांतमई तरीके नाल आपां प्रदर्शन करना, और ये सरकार एड्डी कोई तकड़ी नहीं है जिहड़ी अपने सामने ना चुक सके। इस करके एकता बनाई रखो और साडी सारी पूरी टीम तुहाडे नाल है, इस तरह एक रहो। बैंक कर्मचारियों की है, इस निजीकरण का जनता
जिन्ने भी सरकारी अदारे है जो केंद्र सरकार है और प्राइवेट कारपोरेट अडानी अंबानी जो इन्होंने चार पांच चहेते है जिवें आपां किसान अंदोलन देखा है कि इन्होंने जमीन का वेचण का काम कर लिया अडानी अंबानी नाल उही सिस्टम इत्थे हो रहा है कि जो बैंक सरकारी अदारे है जिन्हें भी उन्होंने वेच रहे हैं अडानी अंबानी अपने जिन्हें भी कारपोरेट घराने हैं उन्होंने वेच रहे हैं। निजीकरण के नाल की फर्क पवेगा, जिन्नी जो आम जनजीवन है वो कितना प्रभावित होएगा? मैडम देखो, जिन्हें भी आम गरीब जनता है वो पब्लिक सैक्टर बैंक नाल ही जुड़िया होया है। तुसी देखो जनधन खाते जो जीरो बैलेंस वाले खाते सी 80% खाते लगभग 44 करोड़ के करीबन खाते पब्लिक सैक्टर बैंक नाल जुड़े हुए हैं। जो आप क्योंकि 70% जनता जो है गांव पिंडां दी जनता है और जो उन्हां दा उन्हां नूं केयर कर रही है, तुसी होस्पिटल च देखो या उन्हां दा ट्रांसपोर्ट देखो, बैंकिंग देखो पिंडां दे विच, तां सरकारी तुहानूं जिन्ने भी सरकारी अदारे है वह आम जनता की सेवा कर रही है। अगर ये निजीकरण कर देंदे है तां तुसी कोरोना वेले देखा होगा कि मैक्स होस्पिटल ने 20 लाख रुपए का कोविड जो ट्रीटमेंट हैगा सी उन्होंने अलग अलग वो बनाया हुआ कि कोई अगर ICU ते हैगा तो उन्हें 20 लाख रुपए लगनगे, कोई अगर होर हैगा तो उन्हें 15 लाख रुपए और अगर उन्होंने अलग अलग वो किया तो एवं ही पब्लिक सैक्टर में तुम अगर जो सरकारी होस्पिटल जाते हैं तो 2-4 लाख रुपए लख रुपए भी तो ट्रीटमेंट हो रहा है, पूर्ण तौर पर लुट मची हुई सी। अगर कल कोई भी इस तरह की घटना होंगी, अगर सारे सरकारी अदारे प्राइवेट हो जाते हैं तो देश लुट मरेगी, जो गरीब होएगा वह होर भी गरीब हो जाएगा, जो अमीर है वह होर अमीर हो जाएगा। इसके खिलाफ हाँ तो इसके खिलाफ ही असं रहेंगे। अगर सरकार हूँ तो साड़ी 2 दिन की स्ट्राइक है, अगर हूँ नहीं मनती हैगी तो फिर असं इनडेफिनिट स्ट्राइक वास्ते। किसान लड़े दिल्ली दी गुरुहां ते पूरे 1 साल, लगता है कि 2 दिन की स्ट्राइक के नाल तुसीं सरकार नूं झुका सकते हो, निजीकरण है उसनूं रोकिया जा सकता है? देखो मैम, अगर 2 दिन दे विच सरकार नहीं मनती है तो असं अनिश्चितकालीन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। इतने हूँ सानू एक चीज़ तुसीं देखो कि सानू सारा समर्थन मिल रहा, किसानों की तरफ तो समर्थन मिल रहा, रेलवे की तरफ तो, हरेक ऑर्गनाइजेशन जोड़ी भी ऑर्गनाइजेशन जत्थेबंदियां हैगी अज सानू अपना समर्थन दे के गए है, तो अगर सानू समर्थन मिलता है तो इंडेफिनेट स्ट्राइक होंगी है तो मोदी सरकार को पिछे हटना पेगा। गुरी जी, तुसी अज पहुंचे हो भारतीय किसान एकता टीम वालों, जो इन्होंने कल के प्रोग्राम निर्धारित किए गए हैं बैंक अधिकारियों के, कि सपोर्ट रहेगा, की समर्थन रहेगा? देखो साडा इन्हां नूं फुल सपोर्ट रहेगा और कल साडी टीम दे लगभग सारे 400-500 जाने असी लैके असी इन्हां दा समर्थन करन वास्ते आवांगे। और मैं इन्हां दी गल विच ऐड करदा, मैं खुद बैंकर हाँ, मैं इंडसइंड तो शुरू करिया सी, मैं एक्सिस और हुण मैं पॉलमरसेंट च कर रहा जॉब। और निजीकरण दा जिहड़ा सब तो वड्डा लॉस है जिहड़ा इंपलॉय कर्मचारी नूं पैण जा रिहा, उहदे च की है कि इस टाइम जो ये अर्न कर रहे हैं जदों ये प्राइवेटाइजेशन हो जानी है और इन्हां नूं नौकरियां तो कढ दित्ता जाणा। और मैं खुद 7 साल प्राइवेट बैंक जॉब की और जो प्राइवेट बैंक का प्रैशर है ना वो नॉर्मल इंसान तो झल ही नहीं सकता, और इन्ने सारे टारगेट होंगे, इन्ना सब कुछ उन्होंने करने वास्ते कहा जाता कि इंसान को एक मशीन तो ना समझा जा सकता। और दूसरी गल नुकसान यह है कि जदों गवर्नमेंट बैंक पब्लिक सैक्टर बैंक प्राइवेट होगा तो सब तो बड़ा नुकसान जो गरीब तबका है उसनों होगा। और जिहड़ी साडा किसान अंदोलन चलिया सी असी उहदे विच कहा सीगा किते भी जुल्म होगा किते भी कुछ होगा तो असी उत्थे सब तो पहला मौजूद होवांगे। और साडी भारतीय किसान एकता दी टीम तुसी देखिया होना पूरे 1 साल दे विच किते भी जुल्म होया, चाहे वह हस्पताल च होया, चाहे वह बैंक च होया, चाहे वह किसी होर पब्लिक या प्राइवेट सैक्टर च होया, साडी टीम उत्थे मौजूद रही है और कल भी असी इन्हां दा पुरजोर समर्थन करांगे। और साडी पूरी टीम और असी होर भी जथेबंदियां जिहड़ियां उन्होंने भी गल करके वो जथेबंदियों को भी असी इस धरने के लैके आवेंगे और जदों तक इन्हों का धरना चलूगा साडा समर्थन इन्होंने इस तरह रहेगा। भारतीय किसान एकता की टीम ना कॉन्टैक्ट करने वास्ते मेरा नंबर है 9999390093 और साडे प्रदेशाध्यक्ष मैक्स वाला जी का नंबर है 8816000000 35 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अगर तुसी डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी नूं जानते हो तो साढ़े तक गल पहुँचाओ, असी अपने आप तुहाडा उत्थे पहुँचांगे और तुहाडी जो भी गल होगी उन्हें सुनिया जाऊगा और उस तो बाद उहदे ते अमल करांगे।
कल का की प्रोग्राम? कल जो SBI की ADI भी ब्रांच हैगी है उत्थे डबल ही रोड से साडा धरना सफल हैगा। असीं तुहानूं भी आमंत्रित करांगे ते मीडिया साथियों का असीं बहुत बहुत धन्यवाद करांगे जिन्होंने सारा दिन इत्थे खड़े होकर साडी कवरेज की। बहुत बहुत धन्यवाद।